उत्तराखंड में कल देहरादून में हुए लाठी चार्ज के खिलाफ आज पूरे राज्य में प्रदर्शन हुए। पेपर लीक का विरोध कर रहे छात्रों पर कल पुलिस ने लाठियां बरसाई थी। इस पर सियासत सातवें आसमान पर है। शहर शहर आज इसका विरोध किया गया और इसी बीच पुष्कर सिंह धामी सरकार ने नया दांव भी चल दिया है। साफ सुथरी परीक्षा कराने के लिए राज्य सरकार ने नकल विरोधी अध्यादेश लाने का फैसला किया है। सीएम धामी ने कहा कि वो हर कीमत पर छात्रों का हित चाहते हैं, इसीलिए सभी परीक्षाओं को पारदर्शी गड़बड़ी मुक्त बनाने के लिए सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। जब उत्तराखंड में जोशीमठ संकट के पीड़ित एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जब पेपर लीक का विरोध कर रहे छात्रों पर देहरादून में हुए लाठीचार्ज को लेकर पूरे राज्य में सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं, राज्य का कोई हिस्सा नहीं जहां छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में तूफानी प्रदर्शन ना हो रहे हों। इस बीच राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लिया है। फैसला नकल विरोधी अध्यादेश का है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की माने तो वे हर हाल में छात्रों का हित चाहते हैं और पेपर लीक से लेकर नकल तक पर रोक के लिए सरकार सख्त कदम उठाएगी। प्रतियोगी हैं, प्रतिभागी हैं, उनको किसी प्रकार का भी किराया भी नहीं देना होगा। बसों में भी हमने निःशुल्क व्यवस्था की है और परीक्षा फॉर्म भी उनका निःशुल्क ही किया है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। हम बच्चों से यही कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में जल्दी ही जल्दी सारे रिजल्ट निकलेंगे और सारी परीक्षाएं होंगी, तय समय पर होंगी, वो अपनी परीक्षाओं की तैयारियां करें। इसके साथ ही सीएम धामी ने देहरादून में हुए लाठीचार्ज को लेकर कहा कि इसकी मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस पर हमने इस बार कार्रवाई करी। 60 लोग इसमें अभी तक जेल चले गए। नकल का अध्यादेश हम लेकर आए हैं, उसको भी अनुमोदित कर दिया है। माननीय राज्यपाल महोदय का भी अनुमोदन प्राप्त हो जाएगा तो वह एक अध्यादेश बन जाएगा और वो सबसे सख्त अध्यादेश होगा पूरे भारत के अंदर, जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। सीएम धामी ने लगातार जारी प्रदर्शनों के पीछे कांग्रेस का हाथ बताया। उधर देहरादून में सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता हरीश रावत की तबीयत खराब हो गई। वे धरने पर बैठे थे। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।